हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पैरासाइट पार्ट टू फिल्म के एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप ये बात जान ली कि अगर आपने पैरासाइट पार्ट वन फिल्म के एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो आपको इस फिल्म को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आप पहले पैरासाइट पार्ट वन फिल्म के एक्सप्लेनेशन को देख लें। इसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। फिल्म की शुरुआत पिछले पार्ट के कुछ महीनों के बाद से शुरू होती है। यहाँ पुलिस फोर्स को पता चल चुका है कि कुछ अननोन क्रिएचर लोगों को मारकर खा रहे हैं और ये मॉन्स्टर इंसान के रूप में ही इनके बीच ही घूम रहे हैं। इससे निपटने के लिए पुलिस एक साइको सीरियल किलर कोरा कामो को यूज करती है, क्योंकि उसका कहना था कि उसके पास ऐसी एबिलिटीज है कि वो इंसानों के बीच छिपे हुए मॉन्स्टर या पैरासाइट को पहचान सकता है। उसके सामने कई सारे लोगों को लाया जाता है। इन कोरागामी के अनुसार ये सारे ही लोग नॉर्मल इंसान थे। इसके बाद कोरागामी के सामने सिनिची को लाया जाता है, जिसे देखकर कोरागामी सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे वो ह्यूमन ही बताता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिनिची सिर्फ आधा पैरासाइट है। गाइस, हमने पार्ट वन में देखा था कि पैरासाइट में की सिनिची के सिर्फ राइट हैंड को ही कंट्रोल कर सकता है और सिनिची अभी भी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, तो इसलिए कोरागामी पहचान नहीं पाता कि सिनिची इंसान है या फिर एक पैरासाइट। इसके बाद सिनिची जब अपने घर जा रहा होता है तब मिकी उसे बताता है कि 700 मीटर के एरिया में कोई पैरासाइट है। इसलिए सिनिची उस पैरासाइट को ट्रैक करके एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वो देखता है कि अंदर एक पैरासाइट एक इंसान को खा रहा था। ये पैरासाइट सिनिची को देखकर उस पर हमला करता है, लेकिन मिकी की हेल्प से सिनिची इस मॉन्स्टर के सीने में अपना हाथ घुसाकर उसे मार देता है। और गाइस, हम यहाँ देख पाते हैं कि सिनिची वही कर रहा था जो उसने पिछले पार्ट में कहा था कि वो एक एक करके सभी पैरासाइट को ढूंढ ढूंढ कर मार देगा। हम ये भी देख पाते हैं कि सिनिची मिकी के सेल्स के कारण काफी स्ट्रांग हो गया है। सिनिची को उस इंसान के लिए बहुत ही दुख होता है जिसकी बॉडी को वो पैरासाइट खा रहा था। तभी हम किसी को सिनिची का पीछा करता हुआ भी देख पाते हैं। ये वही रिपोर्टर है जो पार्ट वन के एंड में सिनिची की तस्वीरें खींच रहा था और वो तभी से सिनिची पर नजर रखे हुए है। इसका नाम जीरो है। इसके बाद हम यहाँ के मेयर तकेसी को देखते हैं, जो खुद भी एक पैरासाइट है और उसने अपने सभी पैरासाइट के साथ एक मीटिंग बुलाई है जिसमें तामिया भी शामिल होती है और उसने एक नॉर्मल ह्यूमन बच्चे को भी जन्म दिया है। इन लोगों को यहाँ पता है कि इनके मॉन्स्टर को सिनिची ही मान रहा है, लेकिन तामिया के कहने पर वो सिनिची को कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिनिची और मिकी बहुत ही यूनिक तरीके से जुड़े हुए हैं और यहाँ तामिया इन दोनों को ही ऑब्जर्व करना चाहती है। यानी वो जानना चाहती है कि ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से बॉन्डेड है, क्योंकि ये पैरासाइट क्रिएचर के फ्यूचर के लिए जरूरी है। लेकिन अगर कोई पैरासाइट सिनिची के पास जाएगा तो मिकी उसे सेंस कर लेगा, इसलिए तामिया ने एक इंसान सीरो को हायर किया है ताकि वो उसकी जासूसी कर सके। लेकिन सीरो ये नहीं जानता था कि तामिया भी एक पैरासाइट है। वो तामिया से कहता है कि उन्हें सिनिची को पब्लिक के सामने एक्सपोज कर देना चाहिए कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन तामिया उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो दोनों इससे मुसीबत में आ सकते हैं। अब अगले दिन स्कूल के बाहर सिनिची नोटिस कर लेता है कि सीरो उसका पीछा कर रहा है। यहाँ सीरो सिनिची से कहता है कि उसे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, पुलिस उसकी मदद जरूर करेगी। लेकिन सिनिची जानता है कि पुलिस में भी कुछ पैरासाइट्स हैं। सिनिची को यह भी पता चल जाता है कि सीरो को तामिया ने उसके पीछे लगाया है, इसलिए वो तामिया से मिलने जाता है और उसे धमकी देता है कि वो उनके बीच में इंसानों को लाना बंद कर दे। तामिया सिनिची को कहती है कि वो क्यों उसके साथी पैरासाइट को मार रहा है, उसे उन्हें मारना बंद करना होगा। ये पैरासाइट अब धीरे धीरे इंसानों को कम खा रहे हैं और एक समय वो इंसानों को मारकर खाना भी छोड़ देंगे। यहाँ सिनिची तामिया की बात को मान जाता है और फिर वो सीरो के पास जाकर उसे समझाता है कि उसे तामिया से दूर रहना चाहिए और इन मामलों से भी, क्योंकि तामिया इन पैरासाइट्स के लीडर है और ऐसा करने से उसकी जिंदगी खतरे में हो सकती है। लेकिन सीरो सिनिची की बात को नहीं मानता और वो अगले दिन मेयर तकेसी के इंटरव्यू लेने के बाद वो उसके रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर छुपा देता है जो मेयर को मिल भी जाता है। इसलिए मेयर एक पैरासाइट को सीरो को मार देने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो उसके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन क्योंकि सीरो उस समय घर पर नहीं था तो पैरासाइट उसके इकलौती बेटे को मार देते हैं। इधर मिकी भी सेंस करता है कि 5 पैरासाइट सिनिची को मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ एक ही पैरासाइट दिख रहा था, जिसका मतलब है कि इस एक ह्यूमन बॉडी में 5 पैरासाइट है। यहाँ इस समय इस ह्यूमन बॉडी के सर को मिकी नाम का पैरासाइट कंट्रोल कर रहा था। अब क्योंकि सिनिची 5 पैरासाइट से नहीं लड़ सकता था तो इसलिए वो यहाँ से भागता है
और अपनी तेजी का फायदा उठाकर मिकी के हेड को अलग कर देता है। सिनिची और मिकी को लगता है कि हेड के अलग होने के कारण बाकी सारे पैरासाइट भी मर जाएंगे, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक दूसरा पैरासाइट गोटो हेड का कंट्रोल ले लेता है और मिकी को बुलाकर अपने राइट हैंड में कंट्रोल दे देता है। अगले दिन तानिया मेयर को डांटती है और कहती है कि उसने क्यों पैरासाइट्स को सीरो और सिनिची को मारने को भेजा, जबकि मैंने तो तुम्हें मना किया था। यहाँ हम देख पाते हैं कि तामिया इंसानों की साइड ले रही है, यानी कि माँ बनने के कारण तामिया में भी ह्यूमन के इमोशंस आने लगे हैं, और ये बात वो मेयर भी नोटिस कर पाता है और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेयर तामिया को मारने के लिए 3 पैरासाइट्स को भेजता है, लेकिन तामिया इन्हें पहले ही सेंस कर लेती है और इन्हें अपने बिल्डिंग के पार्किंग में मिलने जाती है, जहाँ वो अकेले ही इन 3 पैरासाइट्स को मार देती है। लेकिन जब वो वापस अपने बच्चे के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके बच्चे को चुरा लिया है। ये काम उसे डिटेक्टिव सीरू का किया हुआ था, जो तामिया को एक ब्रिज पर मिलने को बुलाता है। वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था तामिया के बच्चे को उसी के सामने मारकर। तामिया सिनिची के साथ सीरू के पास पहुंचती है। सिनिची सीरू को समझाने की कोशिश करता है कि वो बच्चा एक ह्यूमन है और उसे ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन सीरू इन दोनों की ही बात को नहीं मानता। इसी समय स्पेशल फोर्सेस को पता चल जाता है कि मेयर के जो बिल्डिंग है उसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर छुपे हुए हैं और मेयर ने उन्हें वहां छुपाया हुआ है। इसलिए स्पेशल फोर्सेस एक ऑपरेशन चलाते हैं। वो एक एक करके बिल्डिंग को खाली करवाते हैं और जो भी पैरासाइट निकल रहे थे वो उन्हें मारते जा रहे थे। यहाँ वो अपने साथ कुराकामी को भी लेकर आए थे ताकि कुराकामी पैरासाइट्स को पहचान सके और वो उसके साथ बिल्डिंग के अंदर जाकर बाकी सारे पैरासाइट को मार सके। एट लास्ट ये पुलिस फोर्स मेयर के पास पहुंच जाती है, जहाँ मेयर इन सभी को स्पीच देते हुए कहता है कि इंसान अपने फायदे के लिए खुद को विकसित करने के लिए दूसरे जंतुओं को मारता आया है, और देखा जाए तो इंसान ही इस प्लेनेट का असली मॉन्स्टर है, ना कि पैरासाइट। इसके बाद सभी ऑफिसर मेयर को भी शॉटगन से मार देते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें रियलाइज होता है कि मेयर कोई मॉन्स्टर नहीं था बल्कि ये एक इंसान था, और इंसान होते हुए भी ये मॉन्स्टर का साथ दे रहा होता है। कुराकामी इन पर हंसता है कि इन्होंने एक इंसान को मार दिया, लेकिन अचानक ही वो डरते हुए अपने पीछे देखता है जहाँ पर गोटो खड़ा था, जिसके अकेले के अंदर 5 पैरासाइट थे। सभी गोटो को सूट करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि अभी तक तामिया की वजह से उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा और वो इन सभी को मारना शुरू कर देता है। इधर सीरो सिनिची और तामिया की बात को नहीं मानता और उस बच्चे को ब्रिज से नीचे फेंकने लगता है, लेकिन तभी तामिया को मजबूरी में आकर मॉन्स्टर बनके सीरो को मारना पड़ता है। सिनिची को यकीन नहीं होता कि तामिया ने उस बच्चे को बचा लिया। सीरो ये सोचते हुए मर जाता है कि वो कामयाब हुआ और उसने तामिया को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। अब चूंकि तामिया एक मॉन्स्टर है और उसका राज खुल चुका है, तो पुलिस उस पर गनतान देती है। तामिया समझ चुकी थी कि अब वो नहीं बचेगी और वो अपने बच्चे को सिनिची को सौंपने के लिए आगे बढ़ती है। सिनिची उसे कहता है कि अगर तुम आगे आई तो पुलिस तुम्हें मार देगी, लेकिन तामिया फिर भी सिनिची की तरफ बढ़ती रहती है और पुलिस तामिया को गोली मारती है, लेकिन तामिया खुद को बचाने की जगह अपने बच्चे को सेफ रखती है। वो सिनिची को कहती है कि वो समझ चुकी है कि एक ह्यूमन और एक मदर होना क्या होता है। इसके बाद तामिया अपने बच्चे को सिनिची को सौंप देती है और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तामिया को देख सिनिची को अपनी मदर की याद आ जाती है और वो रोने लगता है। यहाँ सिनिची अपने गर्लफ्रेंड सतोमी से कहता है कि मैं वापस एक इंसान बन गया हूँ और मुझ में फिर से इमोशंस आ गए हैं। इसके बाद पुलिस सिनिची को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाती है कि उसका और इस मॉन्स्टर का क्या संबंध था, लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि टाउन हॉल के सभी फोर्सेस को एक पैरासाइट ने मार दिया है, जिसके बाद सिनिची पुलिस के साथ वहां पर पहुंचता है और ये काम गोटो का किया था, जो कि गोटो एक बहुत ही पावरफुल पैरासाइट था। तो सिनिची एक कार लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोटो उसे आसानी से पकड़कर उसका एक्सीडेंट करवा देता है। उससे बचने के लिए सिनिची जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल में भागते हुए मिकी एक प्लान बनाता है कि पैरासाइट एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं, इसलिए गोटो उन दोनों को कहीं भी ढूंढ ही लेगा। वो मिकी को अलग होने को कहता है। जब गोटो वहां आता है तो मिकी और सिनिची दोनों ही उस पर अटैक करते हैं, लेकिन गोटो को कुछ नहीं होता। यहाँ मिकी खुद को सैक्रिफाइस करके सिनिची को भागने को कहता है, क्योंकि पैरासाइट ह्यूमंस को नहीं ढूंढ सकते। मिकी की बात को मानते हुए सिनिची वहां से भाग जाता है और गोटो से लड़ते हुए मिकी मारा जाता है। मिकी की मौत पर सिनिची बहुत ही दुखी हो गया था और वो भागकर सतोमी के पास जाता है, जहां वो उसे संभालती है।
अगले सुबह स्निची को पता चलता है कि मैगी का एक हिस्सा अभी भी उसके हाथ में है और वो ग्रो हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले पार्ट में मैगी के सेल्स ने स्निची की पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया था और उन्हीं सेल्स से मैगी फिर से ग्रो हो रहा है, लेकिन क्योंकि गोटू अब उन्हें फिर से ढूंढ सकता है तो इसलिए वो सतोमी से दूर भागता है। इसके बाद वो गोटो को एक फैक्ट्री में लेकर जाता है जहाँ वो गोटो से बहुत देर तक लड़ाई करता है और उसके अंदर एक जंग लगा रॉड को भी घुसा देता है, लेकिन गोटो को इससे कुछ भी नहीं होता। वो स्निची से कहता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, मैं तुम्हें खत्म करने के बाद उन सारे ह्यूमंस को मार दूंगा, जिसके बाद इस अर्थ में सिर्फ पैरासाइट की स्पीसीज जिंदा रहेगी। इसके बाद वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मैगी उसके हाथ में वापस आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद गोटो की बॉडी में कुछ होने लगता है। मैगी बताता है कि जिस रॉड से तुमने गोटो को मारा था उसमें हार्मफुल केमिकल्स लगे हुए थे, जिसके कारण बाकी के पैरासाइट इस बॉडी को रिजेक्ट करके उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गोटो इसके बाद एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है और बाकी के पैरासाइट उसकी बॉडी को छोड़कर भाग जाते हैं। अब सिर्फ गोटो का पैरासाइट ही उसकी बॉडी में रह गया था। स्निची पहले सिर्फ उसे मारने से झिझकता है, लेकिन फिर वो सतोमी को देखता है और उसे एहसास होता है कि वो किसी अपने को खतरे में नहीं डाल सकता। इसके बाद वो गोटो की बॉडी को उठाकर आग में फेंक देता है, जिससे वो मारा जाता है। कुछ दिनों बाद मैगी स्निची से कहता है कि अब चूंकि सारे पैरासाइट्स मर चुके हैं तो उन दोनों को भी अलग हो जाना चाहिए। मैगी अब हाइबरनेट करने जा रहा है, जो उसके इवोल्यूशन का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद वो खुद को डिसेबल कर लेगा और अब शायद वो दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं देख पाएंगे। मैगी स्निची को गुड बाय कह के खुद को ऑफ कर लेता है, जिससे स्निची को बहुत दुख होता है। अब कुछ महीनों बाद स्निची सतोमी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। वो ताना के बच्चे से भी मिलने जाता है, लेकिन वो सीरियल किलर कुराकामी सतोमी को किडनैप करके एक बिल्डिंग के छत पर ले जाता है। वो स्निची से सवाल करता है कि क्या तुम ह्यूमंस को रियल मॉन्स्टर मानते हो जो एक दूसरे को धोखा देते हैं और मारते हैं। वो स्निची से उसका ओपिनियन पूछता है, क्योंकि उसे पता है कि स्निची भी एक पैरासाइट है, लेकिन सतोमी कुराकामी को कहते हैं कि रियल मॉन्स्टर तो वो खुद है। ये सुनकर कुराकामी उसे छत से धक्का दे देता है, लेकिन तभी स्निची उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उसे बचा भी लेता है। उसे पता चलता है कि ये काम उसने मैगी के हेल्प से किया है, जो थोड़ी सी देर के लिए अपने हाइबरनेशन से बाहर आने में कामयाब हो गया था। हम ये भी देख पाते हैं कि स्निची अब बिल्कुल पहले वाला स्निची बन चुका है और उसके अंदर जो मैगी की पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर एक लाइक देकर एक अच्छा सा कमेंट कर दें, ताकि मुझे ऐसी मूवीज बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो अब मिलते हैं अगली फिल्म के एक्सप्लेनेशन में, तब तक लिए बी सेफ बी अलर्ट।